वही है प्रकाश पुंज, वो है दया निधान करुणा के सागर पुरुषोत्तम, धर्म और मर्यादा के अद्भुत रूप, वो बसे हैं भारत भूमि के कण कण में, हर देह हर मन में। प्रभु राम प्रकाश है इस धरती के, दीपोत्सव का ये उत्सव राम विजय का उत्सव है, अयोध्या की धरती पर उनके आगमन का उत्सव है। क्या बात है भाई, गजब मजा आ गया। अबे तुम उससे शूट करो ना रील वाले पे, आप तुम कह रहे हो हाँ वीडियो शूट कर तो रहे हो। श्री राम सत्य है, श्री राम धर्म है, धनुष बाण है प्रतीक धर्म और सत्य की रक्षा के, श्री राम के वचन का। जब जब धर्म और सत्य की हानि होगी प्रभु आएंगे, धनुष बाण उठाएंगे धर्म की रक्षा के लिए। भक्तों की भक्ति से जगमगाता हर एक धड़कन में बसा है एक ही नाम, जय श्री राम। धर्म और कर्तव्य से बंधे श्री राम, माता और पिता के वचन की रक्षा के लिए राजसी घाट बाट छोड़ हंसते हंसते वन की ओर प्रस्थान कर गए। पत्नी धर्म से बंधी जनक नंदिनी सीता चल पड़ी श्री राम के संग, भाई के धर्म से बंधे लक्ष्मण उन दोनों के पीछे। प्रभु श्री राम ने बहुत समझाया मनाया, न मानी सीता न ही लक्ष्मण माने। विलक्षण है ये प्रेम, पुत्र का अपने पिता से, पत्नी का अपने पति से और भाई का अपने भाई से। लिखा था प्रभु श्री राम के हाथों रावण का उद्धार, तभी तो शिव का परम भक्त होते हुए, ज्ञानवान होते हुए भी मति मारी गई रावण की। किया माता सीता का अपहरण, किया धर्म और मारा गया प्रभु के हाथों। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। अयोध्या वासियों, हम सब हैं प्रभु श्री राम की प्रजा, देखिए अधर्म और असत्य के बीच रावण का होता है दहन आकाश में। प्रभु ने धर्म रूपी बाण से किया है अधर्म का नाश, अन्याय की हुई है समाप्ति और न्याय की ज्वाला से चमक उठा है सारा आकाश। बड़ा तगड़ा वाला इतना बेहतरीन बना। और अब देखिए रावण का अंत कर विभीषण को लंका की राजगद्दी पर बैठा प्रभु श्री राम माता सीता भाई लक्ष्मण और वीर हनुमंत के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर चले आ रहे हैं। ये वही वाहन है जो कुबेर से छीना गया था, इसी वाहन से हो रही है 14 वर्ष लंबी वनवास की यात्रा की समाप्ति और एक नए धर्ममय युग का आरंभ। अयोध्या के लोगों, प्रभु श्री राम लौटे हैं अयोध्या को, अपने घरों को सजाएं, दीप जलाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आज का ये दीपोत्सव धर्म की स्थापना और न्याय का उत्सव है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे त्रेता युग की अयोध्या पुनः जाग उठी है। आज राम की पैड़ी सहित 55 घाटों पर दिव्यता सत्य धर्म और न्याय का आलोक बिखरा है। श्री रामचंद्र चरणाओ मनसा स्मरामी, श्री रामचंद्र चरणाओ वचसा गृणामी, श्री रामचंद्र चरणाओ शिरसा नमामी, श्री रामचंद्र चरणाओ शरणम प्रपद्ये। रघुनंदन के युगल चरणों की हम वंदना करते हैं। 44 प्रवेश द्वार और 392 स्तंभों से निर्मित अयोध्या राम मंदिर में स्थापित बाल स्वरूप प्रभु श्री राम को प्रणाम।
जय हो गदाधारी पवन पुत्र प्रभु हनुमान जी। पवन पुत्र हनुमान प्रतीक है मित्रता और आस्था का। अपने आराध्य श्री राम के प्रति बजरंग बली हनुमान का ऐसा समर्पण कि उन्होंने अपने आराध्य के लिए हर बाधा को पार किया, समुद्र को लांघा, पर्वत को उठाया और अपने प्रभु का संदेश लंका तक पहुंचाया। हनुमान जाने नहीं जाते राम के बिना और राम है अधूरे हनुमान के बिना। मित्रों, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा की गाथा गाई। महर्षि वाल्मीकि के काव्य से निकल प्रभु श्री राम भारत भूमि के हर कोने में फैल गए। महर्षि वाल्मीकि और उनकी अटूट भक्ति और साधना का ही परिणाम है कि रामायण युग युगांतर से आज तक जीवित है। इस गाथा के जनक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने देववाणी संस्कृत में राम काव्य की रचना की तो वहीं महाकवि तुलसीदास ने रामायण को अवधि में प्रस्तुत कर इसे जनमानस के हृदय तक पहुंचाया। रामचरितमानस न केवल साहित्य का एक अनमोल रत्न है बल्कि ये भक्ति की एक अनूठी परंपरा का प्रतीक भी है। देश की विभिन्न भाषाओं के विभिन्न कवियों ने अपने काव्य में अपने आराध्य प्रभु श्री राम की आराधना की है और भक्ति का रसपान किया है। पावर बैंक होगा उसके अरे पावर बैंक आपके पास है कुछ जो। आज के दीपोत्सव पर अयोध्या की ये चमक और जनमानस का उत्साह हमें अयोध्या की उस पहली दिवाली की याद दिलाते हैं जो अपने प्रभु के घर लौटने पर अयोध्या वासियों ने मनाई थी। लाखों दियों के प्रकाश से प्रकाशित अयोध्या, ऐसा लग रहा है जैसे लाखों तारे आकाश से उतरकर धरती पर बिखर गए हों। उत्सव की सुगंध से अयोध्या महक उठा है। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा, अपने प्रभु का स्वागत फूलों की वर्षा के साथ किया। ये उत्सव केवल एक विजय का उत्सव नहीं था बल्कि धर्म और शांति की पुनर्स्थापना थी। चार्जर किसके पास है अर्पित? पावर बैंक किसके पास है? राम राज्य की परिकल्पना से प्रेरित उत्तर प्रदेश सरकार की नवीन सोच ने आज अयोध्या के पवित्र आकाश में मुमकिन किया ये प्रदर्शन। आज का ये उत्सव है प्रौद्योगिकी और परंपरा का। भारत एक प्राचीन सभ्यता है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को बखूबी संजोए है, किंतु विज्ञान और तकनीकी में भी हम दुनिया के सबसे उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। श्री राम की कृपा से आज का नया भारत सशक्त, सर्वित और निर्भीक है। सभी अयोध्या वासियों को उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यही आशा है कि इस दीपोत्सव का प्रकाश आपके जीवन को समृद्धि, शांति और खुशियों से भर दे। आइए हम एक दूसरे की जिंदगी में रोशनी भरें और अपने चारों ओर प्रेम और खुशी का स्रोत बने और संकल्प ले उस राम राज्य का जो इसी धरती पर अपने स्वरूप में आया था। आइए मिलकर बोले जय श्री राम। अयोध्या के पहले ड्रोन शो के इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। दीपावली के इस पावन अवसर पर अयोध्या को ढेर सारी शुभकामनाएं और आइए एक बार फिर इस उद्घोष से इस परिसर को गुंजा दें जय श्री राम।